क्या होगा दोस्तों अगर आपको जॉब मिलने वाली खुशी कुछ समय के बाद दुख में कन्वर्ट हो जाए तो। एक जॉब सीकर्स को जॉब मिलने की वैल्यू पता होती है और हम इसका कंपैरिजन किसी और चीज़ से बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। हम कभी कभी फील करते हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। आप डिप्रेस हो जाते हो या फिर हो सकते हो, या फिर आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो चीज़ आपको बताई थी ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ता है। क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं या फिर इसका कोई सॉल्यूशन है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। हमको सिखा दिया है। एक जॉब ज्वाइन करने से पहले या फिर ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये 6 चीजों को फॉलो करना है ताकि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। सो फर्स्ट आता है डिजिग्नेशन। इसका मतलब होता है आपके पोस्ट की जानकारी। क्या आप जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं या फिर जिस पोस्ट के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, क्या उसी पोस्ट की जानकारी आपके ऑफर लेटर में मेंशन की हुई है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत मेंशन की हुई या फिर मेंशन की हुई नहीं है तो आपको तुरंत एचआर से बात करनी चाहिए। सेकंड, आपको चेक करना है सीटीसी ब्रेकअप या फिर कहें तो सैलरी ब्रेकअप। मैं आपको बताना चाहूंगा सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो आपको सीटीसी की जानकारी होती है, लेकिन बाकी सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, लाइक आपका पीएफ, ईएसआईसी, आपका नेट टेक होम, आपका इंश्योरेंस या और भी कुछ। तो आपको जब भी ऑफर लेटर मिले तो प्लीज आपको अपना सीटीसी के साथ साथ आपको ये सभी चीजें चेक करनी है, जिससे आपको अंदाजा रहे कि आपको अपने हाथों में कितना मिलने वाला, आपका पीएफ कितना कटने वाला, आपका ईएसआईसी कितना कटने वाला है, या फिर आपका इंश्योरेंस कुछ है या नहीं है, जिससे कि आपका एक्सपेक्टेशन क्लियर रहेगा कि आपको हाथों में कितना मिलने वाला है। तीसरा, आपको चेक करना है नोटिस पीरियड। ये पॉलिसी आपके लिए तब काम में आती है जब कंपनी आप छोड़ने वाले होते हो, तो आपको ये चेक करना है कि प्रोविजन पीरियड में आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का होगा, या फिर अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगे तो फिर आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का होगा, ताकि जब भी आप कंपनी चेंज करने के बारे में सोचें तो आपको पहले से अंदाजा रहे कि मुझे कितना दिन पहले नोटिस पीरियड देना है। फोर्थ, आपको चेक करना है लीव पॉलिसी एंड एफएनएफ पॉलिसी। एक कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि 1 साल में उस कंपनी में कितनी लीव मिलती है, लाइक आपका सिक लीव, आपका पेड लीव, आपका अर्न लीव, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं बट काम एक ही है, और वो लीव कब ले सकते हैं इसकी भी जानकारी रख लें, ताकि आप फ्यूचर में जब भी आपको लीव लेना पड़े तो आपको वो चीज़ें काम में आएगी। एफएनएफ पॉलिसी आपको हेल्प करती है जॉब छोड़ने के बाद आपको कितने दिनों के बाद आपको रिलीज लेटर मिलेगा, यानी कि एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही अगर आपके अकाउंट में कोई लीव बैलेंस है तो वो कितना अमाउंट तक इनकैशमेंट होगा, यानी कि कितना लीव इनकैशमेंट होगा। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका वर्किंग डेज या फिर वर्किंग आवर्स। हो सकता है आपके दोस्त ने बताया कि आप इस कंपनी में ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे 5 दिन आपको काम करना है और आपको 2 दिन सप्ताह में छुट्टी मिलेगी या फिर सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, लेकिन आपने जब ज्वाइन किया तो आपको पता चला कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सप्ताह में 6 दिन काम करना है, या फिर आपको परमानेंट सैटरडे संडे का कोई वीक फिक्स वीक ऑफ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और आपको भी एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में चेक कर लेंगे पहले से, तो आई होप कि आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप ये वीक ऑफ्स के लिए आप डिसटिस्फाई नहीं होंगे। 6th, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कंपनी रेपुटेशन इन द मार्केट एंड पब्लिक ओपिनियन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका लॉन्ग टर्म काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता या फिर उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं होती तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप काम छोड़ दोगे। तो जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करें तो उनकी मार्केट रेपुटेशन या फिर पब्लिक ओपिनियन क्या है ये जरूर जान लें, जो कि इंटरनेट में आपको ईजिली मिल जाएगी। आई होप अगर आप ये 6 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, बाकी अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे तो आपको अपना जॉब भी सिक्योर फील होगा। और हाँ, अगर आपको मेरा एफर्ट इस वीडियो बनाने के पीछे दिखाई देता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और आपकी जो भी राय हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।